राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगा है, क्योंकि आज सीएम किसी भी मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगा है। आज मुख्यमंत्री बढ़ती महंगाई पर कुछ नहीं बोलता, कोविड पर एक शब्द नहीं बोलता। जो कर्मचारी, जिन्हें हम कोरोना योद्धा कहते हैं और इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें मुआवजा नहीं देता, फिर कैसे ये दिल्ली का बेटा है? आज सीसीटीवी कैमरामैन जो दिल्ली की पहचान बना, नौजवान साथी आज जो जाकर के इस दौरान युद्ध कवर कर रहा था, युद्ध की सच्चाई बता रहा था, क्या आज उसको 1 करोड़ रुपए नहीं मिलना चाहिए? आज दिल्ली पुलिस का एक जवान जो आपके नॉर्थ ईस्ट में मौजूद था, ड्यूटी कर रहा था, क्या उसको 1 करोड़ रुपए नहीं मिलना चाहिए? ये दोहरा मापदंड रख करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त सभी पार्टी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसको लेकर पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ताकि वे जनता के सामने अपनी दावेदारी पेश कर सकें।